कह रहा था, योगाभ्यास के लिए जरूरी है शरीर की शुद्धि। फिर इंद्रियों की शुद्धि किससे होती है? इंद्रियों पर नियंत्रण करना। ज्ञान इंद्रियां शब्द स्पर्श रूप रस और गंध में आकृष्ट रहती है, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। बुरे शब्दों का आकर्षण नहीं होना चाहिए, बुरे स्पर्श का आकर्षण नहीं होना चाहिए। मर्यादा है शब्द स्पर्श रूप रस गंध के भी। ये बहुत बड़े सत्य हैं योग के, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं। पाणी पाद पायु पस्तवाक, ये पांच कर्म इंद्रियों के पांच कर्म विषय हैं। हाथ पैर से, पायुपस्थ से और वाणी से हम क्रिया करते हैं। इंद्रियों पर जो नियंत्रण कर लेता उसको जितेंद्रिय कहते हैं। योगी को जितेंद्रिय होना चाहिए, योगी का शरीर शुद्ध होना चाहिए, योगी की इंद्रियां वश में होनी चाहिए और योगी का मन, उसकी बुद्धि, उसका हृदय पवित्र होना चाहिए और उसके प्राण भी पवित्र होने चाहिए। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण चतुष्टय जिसको बोलते हैं, और प्राण, ये शुद्ध हो गए तो आत्मा तो स्वभाव से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि शुद्धोहम बुद्धोहम पूर्णोहम मुक्तोहम। हम स्वभाव से ही पूर्ण हैं, कोई अपूर्णता, कोई अधूरापन, कोई न्यूनता, अल्पता, दीनता, हीनता, दारिद्र्य अपने भीतर नहीं है।